नमस्कार, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है किचन टू किचन में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एक न्यू रेसिपी। इस रेसिपी को हम बनाएंगे सूजी से, जो कि फटाफट बनकर रेडी हो जाता है और साथ ही में बहुत हेल्दी है, और सबसे बड़ी बात बहुत झटपट बनकर ये रेडी हो जाता है। आप इसे ब्रेकफास्ट के में बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे बना करके बच्चे के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाना। तो हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल। बाउल में डालेंगे एक कप सूजी। यहाँ पर बारीक वाला सूजी हमें यूज़ करना है। अगर जाड़ा वाला सूजी यूज़ कर रहे हैं, मोटा वाला, तो एक बार आप मिक्सी में उसे चला लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेटेड आलू, साथ ही में डालेंगे ग्रेटेड गाजर को, और एक या दो हरी मिर्च आप डाल दीजिए जिसे बारीक कट कर लिया है। शिमला मिर्च 2 बड़े चम्मच बारीक कट किया हुआ डाल दिया है। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर 2 चम्मच जिसे बारीक कट कर लिया है। रेड चिली फ्लेक्स 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे, और साथ ही में रेड चिली सॉस डालेंगे। 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच, और 1 कप पानी डालेंगे। हम इसमें दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। अगर आप दही का यूज़ करेंगे तो बेकिंग पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमें दही इसमें कितना यूज़ करना है, अगर आप 1 कप सूजी का बना रहे हैं नाश्ता, तो 1/2 कप आपको दही यूज़ करना है। इस मिश्रण को हम 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट हो गया है और जो मिश्रण है वो बिल्कुल रेडी है नाश्ता बनाने के लिए, मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फटाफट से नाश्ता बनाना। तो तवा रख दिया था गर्म होने के लिए, तेल लगा दिया है, अच्छे से तेल हमें अप्लाई करना है। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने सूजी का मिश्रण रेडी करके रखा था। तो आप इसे छोटा बड़ा अपने साइज, मतलब अपने हिसाब से साइज दे सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो मैं इसे बड़ा बनाऊंगी, तो 3 बड़े चम्मच इस चम्मच से मैंने मिश्रण डाल दिया है और फैला दिया है, और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, धीमे आंच पे पकने देते हैं। तो 2 मिनट हो गया है, ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो फिर से हम थोड़ा सा तेल या घी इसके ऊपर लगा देंगे, और बिल्कुल ड्राई होने के बाद ही हमें इसे पलटना है। अगर थोड़ा सा भी गिल्ला होगा तो ये टूट जाएगा। तो इसे मैंने पलट दिया, और आप देख सकते हैं बढ़िया से सिका है, हल्का सा क्रिस्पीनेस आपको दिख रहा होगा। और दूसरे साइड से भी हम 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने देते हैं, और ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने मीडियम रखा हुआ है, और ये 1 मिनट हो गया, मतलब टोटल हमने इसे 3 मिनट के लिए पका लिया है। और यहाँ पर ये हमारा जो सूजी का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारा सब्जियों का यूज़ किया है, और साथ ही में ये बहुत हेल्दी और खाने में बहुत चटपटा सा, बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और कैसे बना था तो कमेंट्स द्वारा फीडबैक में हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।